और मेरे भाइयों क्या हाल चाल तो वेलकम बैक हो गया एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले सीरीज़ में तो गाइज जैसे कि आपको पता लास्ट वाले बिल्ड में जो हमने करा था हमने सारे विलेजेस को शिफ्ट कर दिया था और थोड़ा वो रहा, हमने वहाँ पे ट्रेड व्रेड भी कर लिया तो और मतलब पता नहीं कैसे वहाँ पे घोलम भी सामान हो गए थे तो गाइज़ आज वाला बिल्ड हमारा थोड़ा सा बड़ा होने वाला है जैसे कि गाइज़ मैंने आपको बोला था मैं कुछ ना कुछ बड़ा करूँगा तो ये थोड़ा सा बड़ा बिल्ड है मतलब है छोटा सा बट उसको मैंने एक्स्ट्रा लेयर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत है जैसे कि कुछ रिपीटर्स लगेंगे तो अभी तो मतलब देख रहा था कि मैं सारी रेसिपीज़ वगैरह देख रहा था तो ये मेरे को मिल नहीं रहा था बड़ा मतलब टाइम लगा इसको ढूंढने में तो ये कुछ रिपीटर्स का भी काम रहने वाला है तो मैं आपको सीधा सीधा पहले बता देता तो हूँ उसमें क्या क्या आइटम्स लगने वाली है मेरी तो जैसे कि गाइज लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे को एक अपना ट्राइडेंट भी मिल गया था और प्लस में मैंने डायमंड का आर्मर भी बना दिया हुआ है तो अगर आपने वो नहीं देखा तो गाइज जाके चेकआउट करो मतलब मैं नॉर्मली अपने वर्ल्ड में खेल रहा था और अचानक से मेरे को मतलब जॉम भी मिल गया ये आ गया ट्राइडेंट वाला तो मैंने अचानक इसको मारा तो और अनफॉर्चुनेटली मेरे को यही चीज़ मिलगी मतलब इतनी देर से नहीं मिली बट मिलगी तो अभी तो इसका देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन सी मतलब इंटाइनमेंट्स लग पाएंगे और क्या क्या इसमें मेरे को एबिलिटीज़ मिलेंगी तो वो सब चीज़ें मैं देखूँगा गाइज तो अभी के लिए गाइज़ क्या करता हूँ मेरे को यहाँ पर डर्ट बहुत ज़्यादा लगने वाली है ग्लासेज बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं अपना रेड डस्ट लगने वाली है रिपीटर्स लगने वाले हैं चेस्ट लगने वाली हैं ड्रॉपर्स लगने वाले हैं मतलब लॉट ऑफ आइटम्स लगने वाली हैं इसमें तो गाइज ये सारे रिसोर्स भी मैं धीरे धीरे कलेक्ट करता हूँ तो आपको धीरे धीरे मिलता भी हूँ साथ, साथ में बाकी गाइज मेरे को आप कमेंट करके नहीं बताते हो यार आप मतलब बताया करो और साथ में गाइज जैसे कि आपको पता है मैंने न्यू सीरीज शुरू करी है अपना वन uh, ब्लॉक की तो उसके भी मेरे को बताते रहो उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं क्या क्या न्यू चीज़ें लाएं कैसे से लाएँ क्या करना चाहिए तो वो सब चीज़ें भी आप मेरे को बताया करो तो बाकी अभी थोड़ी सी हम ट्रेड वेड भी करेंगे तो ट्रेडिंग से हम वहाँ से वो अपना लेवल भी बढ़ा लेंगे एक्सपी लेवल ना तो मतलब क्या ही दिक्कत पड़ेगी हमें ना तो गाइज अभी के लिए मैं आ गया अपने आयरन फार्म में यहाँ पे भी मतलब लॉट ऑफ मतलब आयरन मिल जाता है मतलब ज़बरदस्त चलता है ये वाला मेरा आयरन फार्म बट ज़बरदस्त मज़ा आता है तो अभी भी मतलब मैंने काफ़ी टाइम पहले भी ए एफ के करा था मतलब एक दो घंटे या तीन घंटे के राउंड तो काफ़ी मेरे को आयरन मिला था और प्रॉक्स गाइज़ मैंने ये थोड़ा सा ये वाला सिस्टम सिस्टम भी बना लिया मतलब जो भी मेरे को कॉपी मिलती है इसमें डाल के मैं बोन बिल बना लेता हूँ तो जैसे कि गाइज़ अभी देख सकते हो मेरे पास इतना स्टैक हो चुका है आयरन का मतलब अभी भी कम है तो मतलब काफ़ी काफ़ी होना चाहिए बट चलो अभी के लिए तो बहुत है मेरे लिए तो इनफ है मतलब इतना मेरे को जरूरत पड़ती नहीं है बट चलो जितना जरूरत है उतना हम ले लेते हैं तो एक मैं क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ क्यों गाइज़ वो इसलिए क्योंकि जैसे कि स्टैक बहुत ज़्यादा हो गया तो इनको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ब्लॉग्स में जगह कम कर खाएगा ना तो वो सब चीज़ें भी कर लेते हैं थोड़े से ब्लॉग्स अपने पास भी रख लेते हैं तो वैसे मैंने ऑफ मतलब ऑफ़ ग्राइंड कर रहा था तो मैंने मतलब पहले भी आके इसमें काफ़ी एफ़ के करा था और वहाँ से ब्लॉग बनाए थे बट मेरे को ये नहीं याद आ रहा मैंने कौन सी चेस्ट में गाइज रख दी है क्योंकि अगर मैंने रिकॉर्ड वगैरह करा हो ना तो मैं देख लेता हूँ कि मैंने कौन सा सामान कहाँ पर रखा है बट वो मैंने ऑफ़ ग्राइंड करा था तो बट पता नहीं चल रहा गाइज बट चलो वो एनी तो अभी के लिए मेरे को ड्रॉपर्स बनाने हैं तो वो बना लेते हैं और जो और बाकी सामान है वो भी बना लेते हैं तो अभी के लिए मेरे को चाहिए बो तो गाइज जैसे कि पता है आपको मैंने ट्रेड व्रेड किया था बहुत ज़्यादा अपने मतलब विलेजर्स को अपना ना मैक्स कर मास्टर करने के लिए सॉरी मैक्स का बोल रहा था बट मास्टर करने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करा था तो आपको पता है मैंने बो वहाँ पे भर भर के निकाली हुई है तो हम सीधा चलते हैं अपने विलेजर्स के पास ठीक है गाइज तो गाइज अभी हम आ गए अपने ब्रीडिंग स्टेशन में तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास काफ़ी बोझ पड़ी हैं तो मतलब मेरे को लग रहा है इतना तो लॉट आया अगर नहीं तो फिर थोड़ी सी हम और बना लेंगे बट अभी के लिए मेरे को लगता है इतना से मेरा काम बन जाना चाहिए तो जैसे कि गाइज आपको पता है मेरे को ये चाहिए कोई आठ और आठ सोलह आई थिंक मेरे को सोलह के अराउंड बैठेंगे बट आई थिंक मेरे पे बो भी है बट ये दिक्कत दे रही है पता नहीं क्यों ये भी बो है और वो भी बो है बट ये पता नहीं क्या कोई ग्लिच था या क्या था जिस वजह से ये मतलब बन नहीं रहा था तो अभी मेरे को मैनुअली मतलब एक एक करके लगाना पड़ेगा इसमें तो मैं एक बार मैनुअली लगा लगा के मिलता हूँ गाइज़ आपको फटाफट तो फिलहाल गाइज अभी के लिए मैं इसको मैनुअली सेट करने वाला हूँ पता नहीं क्या ही दिक्कत दे रही है बट चलो अभी इसको लगाने के बाद मतलब बन रहा है तो ठीक है गाइज़ अगर आकर मेरे को मेन्यूली लगानी पड़ रही है बोस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो एक बार मैं मैनुअल लगा लगा के इसको कर लेता हूँ सेटल तो अभी के लिए तो फिलहाल मेरा ऑल सेट होने वाला है डन तो फाइनली गाइज़ यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं हमारे स्टोन्स उसके लिए साथ साथ में ये भी मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि अभी तो छः बने हैं गाइज अभी मेरे को यहाँ पर बनाने हैं सोलह तो सोलह के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगने वाले हैं तो गाइज़ जैसे कि मेरे पास अनब्रेकिंग थ्री अपनी आ, वो पड़ी है प्लस यहाँ पे पड़ी है अनब्रेकिंग सॉरी पावर तो इन दोनों को भी मैं एनविल से मतलब वो कर दूंगा कंबाइन कर दूंगा क्या ही दिक्कत है ना तो ये सब चीज़ें करते हैं उससे पहले चलते हैं हमने ये ओके तो यहाँ पे मैंने गलती से मार दिया गाइज़ तो अभी यहाँ से मैं कोबल निकाल रहा हूँ और अभी इसको वापिस से चलाते हैं वहाँ पर और बना लेते हैं और तो फ़िलहाल इस बारी इन्होंने डायरेक्ट ही दे दिया मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई तो फिलहाल अभी मेरे पास हो गए हैं बारह तो मेरे को थोड़े और बनाने पड़ेंगे एक बार दिन कर लेते हैं बट दिन करने से पहले ये बहुत ज़्यादा विलेजर्स हो गए मेरे पास गाइस मतलब लिटरली बेड कम पड़ रहे हैं मेरे को अब इतने विलेजर्स हैं मेरे पास यहाँ पे बट चलो एक बार दिन कर लेता हूँ दिन करके मिलता हूँ मैं आपको सीधा अपने ट्रेनिंग हॉल में तो भाई अभी मैं आ गया अपने ट्रेडिंग हॉल में और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ एमरल्स तो जैसे कि मेरे को पता है मैंने लास्ट टाइम काफ़ी ट्रेडिंग करी थी यहाँ पे और मेरे को काफ़ी एमरल मिल गए थे तो ये रहा मेरा फ्लैचर तो फ़िलहाल यहाँ से हम ले लेते हैं तो ओके ऑल डन ठीक है गाइज तो यहाँ से अभी बन गए मेरे चौदह मेरे को चाहिए ओनली ओके पंद्रह तो मेरे को चाहिए एक तो अब मेरे को यहाँ पर पड़ गया स्टोन की कमी बट उससे पहले मैं एक ट्रेड कर लेता हूँ ये नहीं चाहिए मुझे तू भी आ जा भाई तू क्या दे रहा है मेरे को तू नहीं, नहीं 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 अभी के लिए ओके मैं गाइज देख रहा था कि कहीं मतलब कोई एक्स्ट्रा बुक तो नहीं आई बट फिलहाल अभी के लिए मतलब सेम ये वही बुक्स दे रहे हैं जो कि मुझे इन्होंने पहले दी थी और ये मेरे को आर्मर नहीं दे रहा कोई भी तो गाइज मेरे को कमेंट करके बताना वो कौन सा मेरा ट्रेडर होगा जो मेरे को सीधा आर्मर देगा अगर कोई ऐसा है तो मेरे को बताओ मैं गाइज उसको भी बनाऊँगा जो मेरे को डायमंड आर्मर दे दे क्योंकि ऐसे दिक्कत अलग से देगा ना तो ओके तो अभी के लिए ऑल सेट है सेट है और फिलहाल मेरे को पड़ गई यहाँ पे कोबल की कमी तो मैं यहीं से जो पीछे कोबल्स पड़े हैं इनको तोड़ के मिलता हूँ आपको फटाफट तो फिलहाल अभी ये वाले कोबल मेरे काम आ गए हैं और फिलहाल ओके गाइस मैंने गलती से क्या कराया है कि एक कोबल मैं ले आया था बट वो गलती से कब मेरे से नीचे प्लेस हो गया मुझे पता ही नहीं चला ये नूब यहाँ पर प्लेस हो गया बट चलो गाइज अगर कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए मेरे पास सोलह डिस्पेंसर्स हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा बोज मेरे पास बन चुकी हैं तो रिपीटर्स भी मेरे को बनाने हैं गाइस तो रिपीटर भी बना लेते हैं लगे हाथ तो और और जो मेरे को यहाँ से चीज़ें मैं सारी चीज़ें शॉर्ट करके मिलता हूँ आपको सीधा अपने बिल्ड की तरफ गाइस क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा अभी मेरे को फिर से आयरन फार्म में भी जाना है वहाँ से मेरे को बकेट्स भी बनानी है तो ये सारा बिल्ड में इकट्ठा करके सारा सामान आपको मिलता हूँ अपने बिल्ड पर ठीक है गाइस दो मिनट दो तो गाइज़ अभी हम आ गए अपने बिल्ड की तरफ तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ से जितनी सामान था वो ले आया और मैंने थोड़ा सा ऑलमोस्ट बिल्ड बना दिया था तो मेरे को गाइज चेस्ट और हॉपर्स बनाने के लिए मेरे को वापस आयरन फार्म जाना पड़ा वहाँ से आयरन लाया और दैन पीछे से अपना मैं चेस्ट बना के लाया हूँ तो मतलब रिसोर्सेज कम पड़ ही जा रहे थे मेरे को पता नहीं किस हिसाब से मैं बना रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता तो अभी के लिए चलो गाइज ऑलमोस्ट सब डन हो चुका है मतलब जो जो मेरा मेन था वो कम हो चुका है तो ये मेरा यहाँ से स्पेस आ जाएगी एक यहाँ से पानी के लिए तो देन ये भी हो गया ऑल डन तो अभी क्या है गाइस इतना मेरा सेटल हो गया और इससे पीछे मैंने ऑलरेडी पहले बिल्ड कर रहा था गाइस तो वो मैंने थोड़ा सा नहीं दिखाया ये मैं पीछे बिल्ड कर रहा था चेक करने के लिए कि पानी कितने ब्लॉक में फ्लो करता है तो गाइस पहले वो भी मेरे को देखना पड़ा उसी हिसाब से फिर सारा करना पड़ा गाइस तो अभी एक लेवल में डर्ट इस तरह खींचने वाला हूँ तो गाइज डर्ट भी मेरे को यहाँ पे भर भर के लगने वाली है तो जैसे कि आपको याद है लाइ मैंने काफ़ी पहले रिसेंट मैंने काफ़ी एरिया क्लीन करा था गाइज तो मेरे को उस टाइम पे लगा था कि मतलब ये डर्ट किसी काम की नहीं है लिटरली नूब डर्ट है बट आज मुझे पता चल रहा है कि जब डर्ट की ज़रूरत पड़ती है कितनी अहमियत है उसकी भी मतलब हर गेम में अपने हर एक ब्लॉक का अलग मतलब एक इम्पॉर्टेंट यार गाइज मतलब समझ रहे हो ना तुम मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे बट तुम समझ रहे हो ना दिल की बात तो गाइज कुछ ऐसा है तो अभी के लिए तो गाइज मतलब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका भी आपको भी बोलोगे यार चंगा बंदा यार तू बोर कर देता है तो अभी मैं जा रहा हूं सीधा बकेट लेकर पानी भरने तो ये सारा करके मैं सीधा अपने बिल्ड में मिलता हूं आपको फटाफट ठीक है गाइस तो फिलहाल गाइज अभी के लिए ऑल डन हो चुका है तो अभी हम अपने बिल्ड पे फोकस करते हैं ठीक है गाइज तो अभी मैं कुछ एक दो तीन चार पाँच छः और सात आठ आठ के ऊपर एक चल जाऊँगा सेम यही चीज़ को मैं प्रोसेस करने वाला हूँ ठीक है सर गाइज छः सात एंड ये लग गया आठ देन एक ऊपर तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैंने अभी दो लेवल को बनानी है ना तो मैं अभी इसी को मतलब फिल करने वाला हूँ थोड़ा सा ये चेक करने के लिए कि पानी मतलब प्रॉपर फ्लो कर रहा है कि नहीं अगर मतलब प्रॉपर करेगा तो फिर तो गाइज़ दिक्कत वाली बात नहीं है फिर तो यही मेरा बिल्ड कंटिन्यू 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 होने वाला है अगर अभी की दिक्कत आ गई है इस बिल्ट में तो अभी अभी मतलब मेरे को क्लियर हो जाएगा तो वही चीज़ मैं गाइज़ पहले सब सही करना चाहता हूँ ऐसा ना हो कि मतलब पूरा फुल एंड फाइनल बिल्ड हो जाए बीच में स्टार्टिंग ही मेरा बेसिक ख़राब हो जाए तो गाइज़ वो दिक्कत हो जाती है और जैसे कि गाइज़ जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो दिक्कत मैंने कर ही दी मतलब गाइज़ जो चीज़ मेरे को नहीं करनी थी वो चीज़ मैं कर चुका हूँ मैंने बोला था बिल्ड खराब हो जाएगा बिल्ड ख़राब हो गया तो अभी मैं फटाफट चल के अपनी शवल लेकर आता हूँ गाइस तो गाइस अभी के लिए मैं शवल भी लाया हूँ और साथ साथ में क्या कर रहा हूँ तोड़ता भी जा रहा हूँ और साथ साथ में वही डर्ट वापस लगाते हुए जा रहा हूँ तो मतलब अभी चलो इतना है कि ज़्यादा मैंने बिल्ड बनाया नहीं था तो अभी अभी ख़राब हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यही चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती तो फिर बाद में ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड होना था कि यार नहीं भाई इतना मेहनत करा देन चलो गाइस समझ रहे हो ना तुम खराब हो गया तो फिर कितनी ही बुरी लगती है क्या ही बोलूँगा मैं अब तो अभी के लिए गाइस फोकस करते हैं हम सिर्फ अपने बिल्ड की तरफ तो ये पता नहीं क्या ही दिक्कत दे रहा था मेरे को क्यों नहीं लगा बट चलो अभी के लिए लग गया तो फिलहाल अभी के लिए गाइस सारा सेट हो चुका है तो ये वाला लेयर भी खत्म करता हूँ नीचे वाली लेयर भी खत्म करके आपको मिलता हूं मैं फटाफट दो मिनट लगेंगे गाइज पता नहीं आपको दो मिनट कितने जल्दी होते हैं मेरे दो मिनट दो तो फिलहाल गाइज अभी के लिए इतना मैं कर चुका हूं ओके तो देन ये खत्म अब रह गया थोड़ा सा गाइज इसको भी दो मेरे को फटाफट मैं ये भी मिलता हूँ करके आपको मतलब साथ साथ में कर लेते हैं अब क्या ही दिक्कत है ना गाइस अब आपसे क्या छुपाना तो ये भी हो गया ये भी हो गया देन ये एक ये एक यहाँ पे यहाँ पे ये इसको जल्दी से कर लेते हैं गाइस ये भी कर लेते हैं और ये और ये देन दैट्स इट ओके वो भाई लिटरली हवा क्या ही बोल रहा हूँ मैं चलो छोड़ो मतलब बुरी बैंड बजी है यार बुरी वाली बैंड तो एक मिनट कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गई है तो मेरे को इसको गाइज मेरे को दो एक मिनट इसको मैं काउंट कर लूँ मेरे से लगता है कोई गड़बड़ हो चुकी है यार एक मिनट एक दो यार ठीक है छोड़ एक दो तीन चार ये वाला गया पाँच ये छः ये सात ये आ गया आठ ओके आठ दैन नौ ओके समझ गया गाइज़ मैंने क्या किया गाइज मैंने आठ पे उठाना था मैंने उठा दिया इसको नूमे ब्लॉक पे तो वो इस वजह से एक ब्लॉक पे पानी नहीं आया मतलब मैं समझ गया था गाइस बट थोड़ा सा लगा टाइम बट म, समझ गया तो ये वाला एक बार मतलब अच्छा हुआ ना देखो गाइस तभी मैं कह रहा था मैं तभी दो ब्लॉक को टेस्ट कर रहा था कि कल को मतलब दिक्कत बढ़ जाएगी तो मतलब वो तो पंगे वाली बात होगी ना तो अभी अभी हो जाएगा तो देन एक बारी लास्ट ट्राई कर लेते हैं गाइस ये पानी गया मेरा और ये नीचे चला गया गाइस तो एक बार नीचे चल के देखते हैं क्या ये हॉपर तक जा रहा है ओके ये गाइस हॉपर तक पानी आ रहा है तो मतलब ऑल डन हो गया अभी इसी को फटाफट कंटिन्यू कर लेते हैं गाइस पीछे तक मैं ये सारा एरिया फटाफट कंटिन्यू करके आपको मिलता हूँ दो मिनट में गाइस मतलब तो पता ना दो मिनट गाइस दो मिनट वेट करो फटाफट मिलता हूँ दो मिनट में तो फाइनली गाइज दो मिनट मेरे ख़त्म हो गए हैं और मैंने इतना बिल्ड तैयार कर दिया तो मैंने क्या करा था कि जो आठ यहाँ से और आठ यहाँ के बीच में डिवाइड के लिए लगा दिए हैं अपने प्लैंक्स कि मेरे को पता चले कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ठीक है ना गाइज़ क्योंकि मैंने पहले तो जा, सारा मतलब कर दिया था भर दिया था तो वो फिर मेरे को लग रहा था दिक्कत वाली बात तो अभी के लिए हम क्या करेंगे इसको एक बाउंड्री बॉल देने के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे प्लैंक्स तो कुछ इस तरह से और ये डर्ट में भर देता हूँ तो ये वाली डर्ट भी मैं यहाँ पे भर देता हूँ और यहाँ पे लगा देते हैं ब्लॉक्स तो गाइज ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया ख़त्म तो एक बारी मैं गाइज आपको चल के दिखा लेता हूँ या उससे पहले पूरा काम बिल्ड खत्म कर लेते हैं अब पहले बिल्ड ही ख़त्म कर लेते हैं गाइज उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तो कुछ अभी इस तरह लगने वाले हैं मुझे पता है गाइज गलत लग चुका है आई नो कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए देख लेते हैं तो गाइज़ एक ओके तो एक बारी जंप करके नहीं ये लग गया गलत तो ये गाइज़ गलत लग गया मेरे से तो एक बारी मेरे को इसके लिए चाहिए पिकैक्स और पिक्स मेरी पड़ी है ऊपर तो अभी गाइज़ मेरे को इनके ऊपर टूल्स को भी अपग्रेड करने के लिए मैंडिंग वेंडिंग लगानी पड़ेगी गाइज़ क्योंकि उससे क्या होगा कि एक्सपी वगैरह मेरे से ना वो हो जाएगी क्या बोलते हैं उसको गाइज़ अपग्रेड हो जाएगी ना लाइक like है ना तो वो देखना पड़ेगा तो ये वाला ब्लॉक गलत लग गया था इसको भी तोड़ते हैं देन नीचे एक गलत लग गया मेरे से ऑब्जर्वर नहीं इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया डिस्पेंसर सॉरी ऑब्जर्वर पता नहीं क्यों आ गया तो ये गलत लग गया था तो ऑल सेट गाइस ये आठ यहाँ पे हो गए और आठ वहाँ पे हो गए अब आप बोलोगे भाई आठ आठ का क्यों वो इसलिए गाइस क्योंकि भाई जैसे पानी आएगा ना वो चार ब्लॉक को कवर करता है तो अगर लेफ्ट से पानी आ रहा है वो चार करेगा सेंटर से पानी आएगा वो लेफ्ट और राइट को चार करेगा राइट वाला पानी चार करेगा समझ गए गाइज ये मैकेनिज्म है तो एक बारी चल के देखाता हूँ आपको कितना बड़ा बिल्ड है ये वाला और ये कुछ यहाँ पे आके ख़त्म होने वाला गाइस लिटरली मतलब ज़बरदस्त बिल्ड है यार गाइस लिटरली अभी इस पर मेरे को रेड सोन का काम करना है प्लस पीछे से पूरा बिल्ड सेटअप करना है तो एक बारी रात हो जा भाई क्यों दिक्कत दे रही है मैं नहीं चाहता इस बिल्ड पे भी मुआवजा देते तो गाइज़ अभी लाइट का भी देखना पड़ेगा मेरे को ब्लेजर से ट्रेड भी कर, करके वो लाने पड़ेंगे आ, लाइटिंग वाले वो दे रहे थे ना ग्लो लाइटिंग समथिंग कुछ तो वो भी लाने पड़ेंगे तो वो भी मैं करूंगा उसके बाद देखता हूं उसको मतलब गाइज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इसको मैं मतलब किस हिसाब से क्या करने वाला हूं तो अभी तो मैं वाटर बकेट वाला सारा काम निपटा लेता हूं और जो एरा गहरा सामान है आलतू गालतू वो फेंक देते हैं हम यहां पे तो फिलहाल अभी तो हमें सिर्फ सारी वाटर बकेट चाहिए तो वाटर बकेट उठा के वाटर बकेट वाला लगा के मिलता हूँ आपको फटाफट दो मिनट में गाइज़ भाई अभी के लिए मैंने मतलब सारे में लगा दिया वाटर बकेट डाल दिया मैंने तो फिलहाल ये लास्ट वाला था देन ऑल सेट तो अभी के लिए ऐसा अच्छा नहीं लग रहा ना तो इसमें भी लगा देते हैं यही वाला प्लैंक तो थोड़ा सा ये दिखने को अच्छा लगेगा ना तो ये वाला एक सेकंड गलती होगी ये यहाँ पे ओके तो अभी दिखने को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो अभी तो गैज कुछ मैकेज़म इस तरह का है तो ये वाला यहाँ पे करके ख़त्म करते हैं तो गैस अभी दिखने को कुछ इस तरह का लग रहा है तो अभी गाइज़ मेरे को कमेंट करके बताना इतना मैं आपको कितना क्या लगता है कि कितना टाइम लगा होगा हार्डली मेरे को ना मतलब आपके सामने ये कितनी मेहनत लगी है उसके बाद मेरे को वो पीछे से दिखाऊंगा आपको मैंने कहाँ से डर्ट भी तोड़ी है तो वहाँ से पूरा वो पहाड़ भी तोड़ा डर्ट का जो रास्ते में आ रहा था वो सब चीज़ें करी वो सब चीज़ें अलग से बिटी दी गाइस तो अभी के लिए गाइस ये सारा सामान सेटल करके अभी अगले पड़ाव के ऊपर निकलते हैं ठीक है गाइस इतना तो मेरा ऑल डन हो चुका है तो अभी अगला जो सामान चाहिए मैं वो रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ तो गाइज़ अभी के लिए जितने भी मेरे पास कोबल्स होना है वो कुछ अभी इतना ही है अभी देखना पड़ेगा तो ये बेचारा मेरे को मारने के चक्करों में था बट आवाज़ आ गई थी मेरे को तो अभी चल के हम इनकी सारी स्टेयर्स बनाने वाले हैं गाइज तो स्टेयर्स मैं इसलिए बनाने वाला हूँ गाइज क्योंकि मैं इनको लगाऊंगा स्टेयर्स को इस तरह की मतलब उसके बीच में पानी निकले तो वो देखना पड़ेगा कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा किस हिसाब से लगेगा तो वो मैं देखता हूँ एक बारी आजा मेरे भाई आजा ये हल्का सा दिखा दे मुख अपना पीक ले ले ओके पीक ले 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 ये हल्का सा पड़ी गई तो ये दूसरा खत्म बॉडी डाउन तो ये थोड़ा सा पबजी वाला हमने बीच में लिया थे वन वी वन <laughs> तो मज़ाक अपनी जगह गई तो चलो अब बिगले गई बिल्ड यहाँ से शुरू करते हैं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी यहाँ से इसको ठीक कर देते हैं और यहाँ से इसको भी तोड़ते हैं और इसको भी तोड़ देते हैं तो चलो गाइज अभी के लिए इतना हो गया ऑलडन और अब गाइज मेरे को ऊपर चढ़ना है तो ऊपर के लिए मैं थोड़ा सा इसी के ब्लॉक लगा लेता हूँ तो फिलहाल एक यहाँ पे लगाएंगे डैट सेट ये स्टेयर मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है तो अभी मुझे कुछ इस तरह इसको सेटल करना है कि इसको मैं किस हिसाब से लगाऊँ कि मेरे को ये सही से लग जाए तो फिलहाल गाइज अभी इस तरह और इस तरह समझ गए गाइज़ ये मेरा मकैनिज़म इस तरह चलने वाला है तो यहाँ पे इसको भी मेरे को बिचारी को तोड़ना पड़ा जिसने मेरे को ऊपर चढ़ाया बट क्या ही कर सकते हैं तो ये सारी मैं ये वाली लाइनें लगा के आपको दो मिनट में मिलता हूँ टाइम लगने वाला है तो ये फटाफट करके मिलता हूँ आपको दो मिनट में तो फिलहाल गाई अभी के लिए मैंने इतना इसको कर दिया और एक ब्लॉग मेरे को इसके इस तरह ऑपोजिट लगाना है ओके okay. ये इसलिए कि पानी नीचे फ्लो ना करे तो गाइज इतना तो मेरा ऑल डन हो चुका है तो एक बारी मैं फटाफट करके आपको मिलता हूँ और ये भी मेरे को देखना पड़ेगा कि यहाँ से इसको किस हिसाब से सेटल करना है कि पानी नीचे ना जाए तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जैसे उधर किया गया है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट करूँ देट इसट और यही चीज़ें मैं सारी जगह रिपीट करके पानी डाल के मिलता हूँ आपको फटाफट दो मिनट में गाइज ठीक है गाइज दो मिनट दो मुझे तो गाय जो स्टोन वाला मैंने प्लान किया था वो मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी पार्ट हो रहा था वो पानी मतलब फ्लो ही नहीं कर रहा था और मेरे को ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे करना पड़ रहा था कभी नीचे जाओ पानी लेकर आओ ये करो तो फिर थोड़ा सा मैंने चेंजिंग की है गाइज़ मैंने नीचे वाले में भी कर दी लेफ्ट में भी कर दिया एंड देन राइट में भी कर दिया मैंने इसमें क्या करा है कि एक ब्लॉक थोड़ा सा और एक्सटेंड करा है नीचे से एक ब्लॉक और लगाया और एक ब्लॉक नीचे गैप डाल दिया तो सिंपल मेरी तीन वाटर बकेट यहाँ पे काम आई है जो मैं गाइस पहले स्टोन वाला प्लान कर रहा था वो उससे तो ये मतलब काफ़ी टेन टाइम्स बेटर है तो ये चीज़ें मतलब ऑल डन हो चुकी हैं तो फिलहाल अब गाइस मेरा जो मेन काम आएगा वो आएगा अपना होई का तो गाइज मैं फटाफट नीचे जाके होई बना के दो मिनट में मिलता हूँ आपको फटाफट ना और हाँ गाइज उससे पहले गाइज मैं आपको बता दू इस बिल्ड को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी बहुत ज्यादा टाइम लगा बट आपको गाइज जैसे पता है कि मैं एक बार बिल्ड बनाता हूँ तो मैं बनाता चलता हूं मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत जो आई रिसोर्सेज की मेरे को कभी अपने लार्ज अंडरग्राउंड बेस पर जाना है कभी न्यू घर पर जाना है कभी ब्रीडिंग फार्म में जाना है कभी ट्रेडिंग हॉल में जाना है कभी आयरन फार्म में जाना है तो ये जो दौड़ बचिए ना इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ मेरा बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो गाइज़ अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ इसको भी फटाफट करता हूँ तो ये भी मैं कर देता हूँ इसको भी एक बारी जल्दी से जल्दी तो एक बारी आप मेरे को बताओ मतलब बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो मैं अभी तो आपको थोड़ा ही लग रहा है बट इसमें मैं थोड़ी चेंजिंग और करने वाला हूँ वो भी मैं दिखाऊंगा आपको गाइज़ मैं क्या क्या इसमें चेंजिंग करने वाला हूँ कैसे कैसे करने वाला हूँ तो मतलब लिटरली कह रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा ओ बना दूंगा इस चीज़ को बट गाइज़ आपको एक और चीज़ बताता हूँ मतलब मैंने बना तो दिया इस इतने बड़े बिल्ड को मतलब बाद में मेरे को जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरी थिंकिंग ये चीज़ की आ रही है गाइज़ यहाँ से तो सिंपल मेरे को बटन दबाना है क्रॉप कट के मेरे हाथ में तो गाइज़ वो चीज़ सोच रहे हो कि इतने में मेरे को अंदर जाना है ये पूरे में लगाते लगाते मतलब कम से कम मेरे को लग रहा है माइनक्राफ्ट की एक से दिन एक दिन और एक रात आधी तो जाएगी जाएगी कम से कम क्योंकि जितना बड़ा मेरे को ये लग रहा है टाइम लगने वाला है ना तो बाकी गाइज आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि कैसे क्या होने वाला है तो मैं चलो इसको कर लेता हूँ पहले दो मिनट दो मेरे को तो फिलहाल गाइज अभी मेरी होई भी टूटने वाली है तो मैं अभी के लिए तो एक ही बना के लाया था तो अभी के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा एरिया को मतलब डिग कर दिया हुआ है जो कि मेरे यहाँ पे क्रॉप लग जाएगी फार्मिंग लैंड बन चुकी है तो अभी के लिए मेरी वो ख़त्म हो चुकी है तो मैं उससे पहले एक पहले बनाने जा रहा था फिर मैंने देखा कि नहीं भाई रात हो चुकी है तो उससे अच्छा क्यों ना भाई तैरते तैरते जाएंगे हम अपने बेड की तरफ तो बेड हमने ज़्यादा दूर तो लगाया नहीं है तो एक बार अच्छी सुबह कर रहे हैं एक अच्छी सुबह के साथ एक अच्छी शुरुआत होती है हमारी गाइज़ आपको पता हर वीडियो में हमारी अच्छी शुरुआत कैसे होती है सोने के बाद तो वो सोना बहुत ज़रूरी है गाइज़ तो फिलहाल अभी के लिए मैं निकलता हूँ अपनी ब्रीडिंग फार्म की तरफ तो गाइज अभी मैं अपने ब्रे, अपना ब्रीडिंग फार्म में पहुंच चुका हूं तो यहां से भी मैं बना लिया तीन होइस तो एक दो एंड तीन मेरे को लग रहा है तीन गाइज इनफ है मेरे लिए ना तो अभी मैं फटाफट यहां से बाहर निकल लेता हूं तो गाइज आप जैसे देख सकते हैं यहां पे विलेजर्स की ना भीड़ लगी पड़ी है तो अब ऐसा नहीं है कि मेरे को कहीं पर मतलब विलेज विलेज पर जाना पड़ता है विलेजर्स को लाने के लिए मतलब ऐसा नहीं है अब यहाँ पे भर भर के विलेजर्स मिलते हैं मेरे को तो मतलब एक तो गाइज मैंने नोटिस किया है जब मतलब मैं अपने यहाँ तो ट्रेडिंग हॉल में जाता हूँ यहाँ तो मैं आता हूँ ब्रीडिंग हॉल में मेरा ना यहाँ पे फ़ोन थोड़ा सा लैग करता है वो क्यों वो मेरे को कमेंट करके बताना क्यों अगर ये विलेजर्स की वजह से है तो फिर मेरे को थोड़े से विलेजर्स का ना इनकाउंटर समझ रहे हो ना गाइस समझ रहे हो ना करना पड़ेगा तो अगर वैसा नहीं है तो फिर तो वही मैं उनको मारूंगा नहीं मतलब वो अपने यार अच्छे बंदे हैं यार क्या ही बोल रहे हो तुम मैं कभी बोल सकता हूँ उनको मारने के लिए तो गाइस चलो एनी वेज मज़ाक अपनी जगह रहा तो अभी मैं इसको भी जल्दी से हो ही से कर लेता हूँ फार्मलैंड में बिल्ड तो देन मिलता हूँ आपको दो मिनट में पता ना दो मिनट दो मिनट दे दो, दो मिनट दो यार दो मिनट गाइस अभी इंजॉय करो बाबू भैया की स्पीड तो गाइस कमेंट करके बताना आपने ये स्पीड कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो ही करेंगे फिर ये बाबू भैया से उधारी लिया वैसे मैंने तो गाइस अभी के लिए मेरा ऑल डन हो चुका है तो मैंने सारे बिल्ड को अपना बना दिया लैंड में कन्वर्ट कर चुका हूं नीचे वाले बेस से जाके मैं थोड़े से क्रॉप ये भी लिया है कैरेट्स भी लिया है और पटेटो भी लिया है और थोड़े से अपने फार्म से भी तोड़ लिए तो गाइज अभी के लिए ये भी मैं इसको कर देता हूँ कंप्लीट तो गाइज़ अभी के लिए मैं लिटरली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ इस वीडियो को बनाते हुए तो गाइज़ मैं थोड़ी सी इसके लिए माफ़ी मांगूंगा कि मैं पूरा बिल्ड नहीं दिखा रहा आपको बनाते हुए बट गाइज़ मुझे माफ़ कर दो इस चीज़ के लिए बट जितना मैंने दिखाया अब यही सेम चीज़ें मेरे को रिपीट करनी है अब धीरे धीरे नीचे से जाके होर ले आऊँगा जितने में है तो अगर इतने में हो जाएगा तो बढ़िया नहीं तो नीचे से मेरे को होर लाने पड़ेंगे तो गाइज़ अब भी आपसे मैं मांग रहा हूँ अलविदा तो गाइज़ अगर अच्छी लगी होगी ये वीडियो कमेंट करके बताना अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करके जरूर बताना कमेंट भी करना ही है गाइज़ तुम्हें तो अभी के लिए गाइज़ मैं ले रहा हूँ तुमसे अलविदा तो अगर अच्छी लगी हुई वो वीडियो तो कमेंट करके बताना मेरे भाइयों बाय बाय पीस आउट गाइज़